हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक छोटी सी स्टोरी और ये दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। हमारी स्टोरी का नाम है द इंटेलिजेंट टेलर। और देखिए, ये जो हमारी स्टोरी है ये वैसे हम फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम चैप्टर के बारे में जानते हैं। देयर वॉज अ टेलर हु बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी स्ट्रांग। तो देखिए, एक टेलर होता है, उसे बहुत ही विश्वास था कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। On knowing about him, the king told him to kill two devils. तो देखिए, इसके उसके बारे में जानने के बाद एक राजा होते हैं, वो कहते हैं उसे कि तुम्हें दो devils को मारना है। If he would do so, the king promised to get his daughter married to him and also gave him half of his kingdom. तो देखिए, यहाँ पर राजा उससे प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा और उसे आधी किंगडम उसे दे देगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और जानते हैं। देयर लिव्ड ए टेलर इन द एनिशेंट सिटी उज्जैन। तो देखिए, उज्जैन नाम का सिटी था, एक पुराना सिटी था, वहाँ पर एक टेलर रहा करता था। हिज नेम वाज सोनू, उसका नाम सोनू था। ओन डे एट द डे ब्रेक, तो एक दिन सुबह की बात होती है, वन डे, एक दिन सुबह की बात होती है, ही हर्ड द वॉइस ऑफ ए होकर सेलिंग हनी। तो वो एक होकर की आवाज़ को सुनता है, फेरी वाले की आवाज़ को सुनता है, वो हनी बेच रहा था, यानी कि शहद बेच रहा था। हनी, लवली हनी, बाई माई स्वीट हनी, तो वो इस तरह से आवाज़ लगाते हुए अपने हनी को सेल कर रहा था। ही स्टॉप द होकर, ही मतलब टेलर, टेलर को कहा गया है। ही स्टॉप द होकर एंड ब्रॉट ओनली टू स्पून फुल्स। तो देखिए, वो जो है होकर को रोकता है और उससे दो चम्मच भर शहद ले लेता है। द होकर वेंट हिज वे डिसअपॉइंटेड एज ही हैड होप टू सेल ए लॉट ऑफ हनी। तो देखिए, यहाँ पर जो होकर था वो बहुत ही निराश हो जाता है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो बहुत सारा अपना शहद बेच देगा, लेकिन उसने बहुत ही कम परचेज किया था। द टेलर कट हिमसेल्फ अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्प्रेड हनी ऑन इट एंड थिंकिंग दैट ही वुड ईट इट आफ्टर हैविंग फिनिश्ड विद द ट्यूजर कीप इट ऑन द टेबल। तो देखिए, अब टेलर क्या करता है, अपने आप जो है स्लाइस काटता है ब्रेड की और उस पर हनी को फैला लेता है और सोचता है कि वो अपना काम ख़त्म करने के बाद उसको खाएगा और वो टेबल पर उसे रख देता है। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही वांटेड टू ईट द स्लाइस, ही नोटिस दैट द क्लस्टर ऑफ फ्लाइज हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू फीस्ट ऑन इट। तो देखिए, जब कुछ देर के बाद वो कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो उन ब्रेड को खाए, तो वो ध्यान देता है कि उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ जो है, मक्खियों का एक झुंड होता है, वो पहले से ही उसको खा रहा होता है। तभी वो क्या करता है, ही पिकड अप अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ब्लो द फ्लाइज अवे वायलेंटली। तो देखिए, तभी वो एक कपड़ा उठाता है और उसे जो है बहुत ही बुरी तरीके से उन मक्खियों को वहाँ से उड़ाता है। ही सा सम ऑफ द फ्लाइज हैड डाइड, वो क्या देखता है कि उनमें से कुछ मक्खियाँ जो है मर गई हैं। ही काउंटेड दैम, अब वो उन्हें गिनता है। द डे नंबर 30, वो 30 थी जो मर चुकी थी, वो 30 थी। 30 इन वन ब्लो, हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, ही सेड हिमसेल्फ। तो देखिए, वो अपने आप से कहता है कि एक ही ब्लो में 30 मक्खियाँ मर गई हैं, कि मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ। द होल टाउन रेदर द होल वर्ल्ड शुड नो हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम। तो वो सोचता है कि पूरे टाउन को जानना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को जानना चाहिए कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। थिंकिंग दिस ही लेफ्ट हिज शॉप एंड सेट ऑफ अ जर्नी। तो देखिए, ये सोचकर उसने अपनी दुकान को तो जो है छोड़ दिया और उसने यात्रा करनी शुरू कर दी, यानी कि वो निकल गया। ही परचेज सम चीज़ एंड अ बर्ड फ्रॉम द मार्केट, उसने क्या किया, मार्केट से कुछ चीज़ खरीद ली और एक बर्ड खरीद ली। ही गॉट हिज बैल्ट, हिज बेल्ट एनग्रेव्ड एज वन हु किल्ड 30 इन अ स्ट्रोक। तो देखिए, उसने एक बेल्ट ली और उस बेल्ट के ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखवा दिया कि वो एक मैं हूँ जो एक ही स्ट्रोक में 30 को मार सकता हूँ। वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट ही केम अक्रॉस अ जायंट। तो देखिए, वो जंगल से होते हुए जा रहा था, उसे एक जायंट मिलता है, दानव मिलता है। द जायंट रीड ऑन हिज बेल्ट दैट ही हैड नॉक 30 मैन डाउन इन अ स्ट्रोक। तो देखिए, उसकी बेल्ट के ऊपर जैसा कि लिखा हुआ था, तो जो जायंट था वो भी इस चीज़ को पढ़ता है कि वो एक ही स्ट्रोक में 30 लोगों को मार देता है। यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग,
सेड द जायंट। जायंट ने कहा तुम तो बड़े स्ट्रांग होंगे, बट आई बैट यू कैन नॉट डू दिस। वो कहता है कि लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। द जायंट पिक्ड अप अ स्टोन एंड प्रेस इट सो हार्ड द वाटर स्पीस आउट ऑफ इट। तो देखिए जायंट क्या करता है, स्टोन को उठाता है, उसे प्रेस करता है और उससे उससे पानी को निकाल देता है। दैट इज नो ग्रेट, सेड द लिटिल टेलर। अब टेलर ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ही टुक अ पीस ऑफ चीज एंड स्पेस इट टू शो द जायंट वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम इट। तो देखिए वो क्या करता है, उस चीज़ के पीस को उठाता है, उसे स्क्वीज करता है और उससे जो है पानी की बूंदें निकलने, पानी गिरने लगता है। वेल डन, सेड द जायंट इन एन एस्टोनिश्ड वॉइस। तो देखिए बड़ी ही आश्चर्यजनक आवाज़ में जो जायंट है वो कहता है कि बहुत अच्छा, नाउ लेट अस सी इफ यू कैन थ्रो अ स्टोन एज फार एज आई कैन। तो कहता है कि चलो देखते हैं क्या तुम इतनी दूर पत्थर फेंक सकते हो जितनी दूर मैं फेंक सकता हूँ। आई कैन थ्रो अ स्टोन सो फार दैट इट वुड नॉट इवन लैंड, सेड द लिटिल टेलर। टेलर ने कहा मैं तो इतनी दूर पत्थर को फेंक दूंगा कि वो तो लौट कर ही वापस नहीं आएगा ज़मीन पर। ही टुक आउट द लिटिल बर्ड एंड टॉस इट इन टू रीच द एयर एंड द बर्ड फ्लू ऑफ। तो देखिए तभी क्या होता है, वो अपने पास जो उसकी बर्ड होती है उसको निकालता है, उसको टॉस करता है, उछालता है हवा में और बर्ड तो उड़ जाती है। कम टू माई केव, यू हैव अर्न द इन्विटेशन, इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो स्लीप देयर, सेट द जायंट। अब जायंट उसे कहता है कि तुम मेरी गुफा में आ सकते हो, तुम्हें इन्विटेशन दिया गया है, अगर तुम चाहते हो तो तुम आकर वहाँ पर सो सकते हो। एट नाइट द जायंट वॉन्टेड टू किल हिम विद एन आयरन बार, और जायंट जो है उसे धोखे से मारना चाहता था आयरन बार से। सीइंग दिस द लिटिल टेलर कैन टेलर रन एज फास्ट एज ही कुड। तो देखिए ये देखकर जो टेलर था वो बहुत ही तेज़ी से जितना तेज वो भाग सकता था वो भाग जाता है। ही वॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली रीच्ड अ प्लेस पैलेस गार्डन। तो देखिए वो बहुत समय लंबे समय तक ऐसे ही घूमता रहता है और फिर वो एक महल के बगीचे में पहुंचता है। बींग टायर्ड ही फॉल एसलीप, वो थका हुआ था और वो वहाँ पर सो जाता है। द किंग सर्वेंट रीड द इंस्क्रिप्शन ऑन हिज बेल्ट एंड थॉट हिम टू बी ग्रेट वॉरियर। अब जो राजा के जो सर्वेंट थे वो उसके बेल्ट के ऊपर जो लिखा हुआ था उसे पढ़ते हैं और सोचते हैं कि तो बहुत ही महान योद्धा है। दे वॉक हिम अप एंड आस्क्ड इफ़ ही कुड लाइक टू जॉइन द किंग्स आर्मी। अब वो जो है उसे उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम राजा की आर्मी को ज्वाइन करना चाहोगे। दैट इज़ द रीज़न आई केम ही सेड, और वो कहता है कि हाँ यही तो कारण है जिसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। द किंग अलाउड हिम टू जॉइन हिज आर्मी हाउएवर अदर सर्वेंट बिलीविंग दैट ही कुड किल 30 मैन इन वन स्ट्रोक ही स्केयर्ड ऑफ हिम एंड अबैंडन्ड हिम। तो देखिए अभी क्या होता है कि वो कहता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए आया हूँ और राजा उसे अपनी आर्मी ज्वाइन करने देते हैं। सर्वेंट भी जो है इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो एक ही बार में 30 लोगों को मार देता है, वो उससे डरे हुए रहते हैं। नोइंग दिस द किंग रिग्रेटेड हिज डिसीजन एंड थॉट टू गेट रिड ऑफ टेलर। अब कहीं ना कहीं से राजा को उसकी सच्चाई पता चलती है, वो अपने डिसीजन पर पछताते हैं और वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। द किंग कॉल्ड फॉर हिम एंड सेड, राजा ने उसे बुलाया और कहा देयर आर टू डेविल्स टेरिफाइंग माई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स मीन्स होता है प्रजा। तो राजा कहते हैं कि यहाँ पर दो डेविल हैं जो मेरी प्रजा को बहुत ही डरा रहे हैं। इफ़ यू आर द स्ट्रांगेस्ट गो एंड किल दैम, अगर तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो तो जाओ और उन्हें मार दो। राइट योर मैजेस्टी, सेड द लिटिल टेलर। तो टेलर ने कहा ठीक है महाराज मैं ऐसा ही करूँगा। If you succeed, राजा ने कहा अगर तुम सफल होते हो, I shall give you my daughter in marriage and half of my kingdom, कि मैं अपनी बेटी की तुमसे शादी कर दूंगा और आधी तुम्हें अपनी किंगडम दे दूंगा। The little tailor bowed and set off toward the forest. अब जो टेलर था वो राजा की तरफ सम्मान में झुकता है और जंगल की तरफ चल देता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि टेलर जो है बड़ा चालाक था, वो किस तरह से चालाकी से क्या कुछ करता है, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।